11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे देश में शुरू हो रहे कोरोना टीका उत्सव के संबंध में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन से लोगों से अपील किया कि अपने आयु के आधार पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का खतरा करीब करीब खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा कोरोना का लहर वापस लौट आया है। राज्यपाल ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें मास्क के साथ 2 गज की दूरी भी बनाकर रखना होगा। उन्होंने सभी कुलपतियों, शिक्षाविद, स्वास्थ्य कर्मी तथा आम नागरिकों से अपील किया है कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान पर पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे टीका उत्सव में टीका अवश्य लगाएं, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाई जा सके। इस संबंध में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, प्यारे प्रदेशवासियों, सादर नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक कोरोना टीकाकरण उत्सव का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी का दूसरा प्रकोप बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम सभी को कोविड-19 के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस महामारी की पहली लहर के समय आप सभी ने कोविड-19 के समस्त सुरक्षा मानकों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम सभी सुरक्षित रहे तथा कोरोना का प्रकोप लगभग समाप्त हो गया। लेकिन हम सभी ने कोविड-19 के सुरक्षा मानकों में लापरवाही की, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए हम शपथ लें कि आज के बाद बिना मास्क के कोई भी अपने व अपने परिवार के सदस्यों को घर के बाहर नहीं निकलने देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचेंगे। हम सब मिलकर समझदारी से प्रयास करेंगे तो हमारा परिवार व हमारा देश प्रदेश के लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि समाज के वे सभी लोग जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, वे इस वैक्सीन उत्सव के मध्य जिसका उम्र के हिसाब से नंबर आ गया है, वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी इसे लगवाने के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जो वैज्ञानिकों के परीक्षणों के मानकों पर खरी उतरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें राजनीतिक दलों के लोग, महापौर, पार्षद, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुल सचिवों, कॉलेजों के प्रबंधकों तथा विद्यार्थियों के साथ सभी गणमान्य नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। मैं पूर्ण विश्वास के कह सकती हूँ कि सभी के सहयोग से हमारा उत्तर प्रदेश शीघ्र ही इस महामारी पर काबू पा लेगा। आप सभी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और नियमों का पालन करते रहे। जय हिंद।